बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कम कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और हम लोग मानते हैं कि अभी भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साधकर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि पुनः जातीय जनगणना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इस प्रोसेस की जानकारी सबको हो, ताकि सही जानकारी आबादी से, हर जाति की आबादी से जुड़ी हुई सही जानकारी जनता के सामने आ सके।